जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हो रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसे समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसे समाचारों में प्रमुख है, चीन भारत कई एशियाई देश धार्मिक स्वतंत्रता में सबसे खराब स्थान पर है, पाइथन सर्वाइवर को कैटेचिस्ट के रूप में 44 वर्ष पूरे करने पर सम्मानित किया गया, जातीय संघर्ष की बरसी पर मणिपुर बंद, भारत ने हिंसा प्रभावित मणिपुर से म्यांमार के अप्रवासियों को निर्वासित किया, गोवा और दमन महादमन प्रांत में 12 नए पुरोहित को नियुक्त किया गया, भारतीय अदालत सुनिश्चित करती है कि आदिवासी ईसाइयों को उचित दफनाना मिले, ईसाइयों ने चर्च परिसर को साफ करने के सत्तारूढ़ी दल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब जानते समाचार विस्तार से। चीन भारत कई एशियाई देश धार्मिक स्वतंत्रता में सबसे खराब स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग द्वारा 12 एशियाई देशों को पूरी दुनिया में सबसे खराब धार्मिक उत्पीड़न वाले देशों में एक के रूप में नामित किया गया। USCIRF अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लंघन करने वाले देशों के खिलाफ विभिन्न प्रतिबंधों को लागू करने सहित धार्मिक स्वतंत्रता की बेहतर वकालत करने के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग को सिफारिश करता है। इस साल की रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार को 17 देशों को विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित करने की सिफारिश की है, क्योंकि इन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता में लगातार कमी आ रही है। सूची में शामिल 12 एशियाई देश अफगानिस्तान, अजरबैजान, म्यांमार, चीन, भारत, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम है। पाइथन सर्वाइवर को कैटेचिस्ट के रूप में 44 वर्ष पूरे करने पर सम्मानित किया गया। कटक भुवनेश्वर के महादमन प्रांत ने अजगर के हमले से बचे एक व्यक्ति को सम्मानित किया है, जिसने उड़ीसा में सैकड़ों लोगों को ईसा मसीह के बारे में जानने में 44 साल पूरे कर लिए हैं। 29 अप्रैल को कंधमाल जिले के अवर लेडी ऑफ चैरिटी पैरिस रायकिया के अंतर्गत पिरिगोडा गांव के क्रिस्तोदास बहरा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए पुरोहितों और धर्म बहनों सहित लगभग 75 लोगों ने पवित्र मिस्सा में भाग लिया। क्रिस्तोदास ने साहस पूर्वक लोगों को यीशु से मिलने में मदद की है। क्रिस्तोदास का कहना है कि जब वे 5 साल के थे तो यीशु ने ही उन्हें अजगर से बचाया था, जिसने उन्हें निगलने की कोशिश की थी। जाति संघर्ष की बरसी पर मणिपुर बंद। एक कैथोलिक बिशप के शांति के आह्वान के बीच अभूतपूर्व जाति हिंसा की पहली बरसी पर एक आदिवासी लोगों के समूह ने भारत के संघर्ष ग्रस्त मणिपुर राज्य में एक दिन का बंद लागू किया। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने कुकी, जो समुदाय के सभी सदस्यों से स्मरण और एकजुटता के प्रतीक के रूप में हर घर पर एक काला झंडा फहराने का आग्रह किया। 1 मई के एक बयान में कहा, हमें शहीद नायकों के सम्मान और श्रद्धांजलि के संकेत के रूप में सभी व्यवसाय संस्थानों और बाजारों को भी बंद रखने के लिए कहा गया था। नाम न छापने की शर्त पर एक सरकारी अधिकारी ने दावा किया कि बंद का पूर्वोत्तर राज्य में नियमित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने हिंसा प्रभावित मणिपुर से म्यांमार के अप्रवासियों को निर्वासित किया। एक अधिकारी ने कहा कि मणिपुर से म्यांमार अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने का पहला चरण पूरा कर लिया है, जहां पिछले साल अभूतपूर्व हिंदू ईसाई झड़पें देखी गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 2 मई को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, बिना किसी भेदभाव से हमने 38 और अप्रवासियों को मणिपुर छोड़ने के साथ म्यांमार से अवैध अप्रवासियों के निर्वासन का पहला चरण पूरा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार चलाने वाले सिंह ने कहा, पहले चरण में कुल 77 अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया गया है। हेडओवर समारोह के दौरान एक भारतीय नागरिक को भी म्यांमार से वापस लाया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अवैध अप्रवासियों की पहचान जारी रख रही है और साथ ही बायोमेट्रिक डाटा भी दर्ज किया जा रहा है। गोवा और दमन महादमन प्रांत में 12 नए पुरोहितों को नियुक्त किया गया। 29 और 30 अप्रैल को गोवा और दमन के महादमन प्रांत के आर्च बिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने कैथेड्रल में 12 नए पुरोहित को नियुक्त किया। उन्होंने समुदाय के प्रति उनकी सेवा में विनम्रता, खुशी और करुणा के महत्व पर उन्हें सलाह दी। प्रवचन के दौरान आर्च बिशप ने आइए हम यीशु की तरह सेवा के चरवाहे बने के विषय के तहत कहा, पुरोहित विश्वासियों की सेवा में यीशु की सेविकाएं को जारी रखने के पवित्र आह्वान को स्वीकार करते हैं। यीशु की सेवा में विनम्रता, खुशी, दूसरों की देखभाल और चिंता और सर्वव्यापी सेवा की विशेषता थी। प्रभु ने इन पुरोहितों को अच्छे चरवाहे यीशु की सेविकाएं को जारी रखने के लिए चुना है। भारतीय अदालत सुनिश्चित करती है कि आदिवासी ईसाइयों को उचित दफनाना मिले।
एक भारतीय अदालत को एक आदिवासी ईसाई को उचित दफनाना सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि उसके मुख्य रूप से हिंदू गांव के निवासियों ने गांव में ईसाई दफनाने पर आपत्ति जताई थी। 54 वर्षीय ईश्वर कोरम एक आदिवासी ईसाई की 25 अप्रैल को मध्य छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर शहर, जो बस्तर जिले का एक मुख्यालय है, के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन उनके पैतृत्व गांव छिदबहार, जो एक पहाड़ी जंगली जिले का एक सुदूर गांव है, के ग्रामीणों ने उनके परिवार से कहा कि उनके शव को वापस ना लाए और इसे ईसाई रीति रिवाज के अनुसार दफना दे। प्रोटेस्टेंट बिशप धोबी ने कहा, अदालत ने इसे आवश्यक मामला माना और जिला कलेक्टर और पुलिस अध्यक्ष को कोरम को उसकी पैतृक संपत्ति में उसकी ईसाई धार्मिक मान्यता के अनुसार दफनाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया। ईसाइयों ने चर्च परिसर को साफ करने के सत्तारूढ़ी दल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी, जो ईसाई बहुल नागालैंड राज्य में सरकार चलाती है, ने एक हिंदू नेता की बरसी मनाने के लिए चर्च परिसर को साफ करने की पेशकश की है, लेकिन ईसाइयों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। भाजपा ने श्याम प्रसाद मुखर्जी की 70वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 11 मई को चर्च परिसर को साफ करने की पेशकश की। उपनिवेशिक युग के बंगाल क्षेत्र के एक प्रमुख हिंदू नेता मुखर्जी का 23 जून 1953 को निधन हो गया। नागालैंड में सबसे बड़ा सांप्रदायिक नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल ने कहा, हम 11 मई को चर्च परिसर को साफ करने के लिए की गई उनकी पेशकश को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।